रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अमेरिका समेत कई देश रूस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इसी बीच अब खबर आ रही है कि युद्ध के दौरान ही पुतिन छुट्टी पर जा रहे हैं। ये छुट्टी उन्होंने कैंसर का ऑपरेशन कराने के लिए ली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुतिन वाकई बीमार हैं? अगर बीमार हैं तो पुतिन की गैरहाजिरी में रूस की कमान किसके हाथ होगी? रूसी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुतिन कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में पुतिन अपनी अनुपस्थिति में रूस की कमान रूसी सुरक्षा परिषद के चीफ और खुफिया एजेंसी एफएफबी के पूर्व चीफ निकोलाई पेत्रुशेव को सौंप सकते हैं। इनकी गिनती पुतिन के करीबी लोगों में होती है। इस दौरान पेत्रुशेव के हाथों में यूक्रेन युद्ध की कमान भी रहेगी। रूस के एक टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि पुतिन के ऑपरेशन की जानकारी पुख्ता है। पुतिन को 18 महीने पहले पेट के कैंसर और पार्किंसन नाम की बीमारी का पता चला था। तब डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए कहा था, लेकिन तब उन्होंने इसे टाल दिया था। अब वो 9 मई को विक्ट्री डे परेड में अध्यक्ष के रूप में शामिल होने के बाद ये ऑपरेशन करा सकते हैं। निकोलाई पेत्रुशेव पुतिन के सबसे करीबी माने जाते हैं। उन्होंने ही पुतिन को ये भरोसा दिलाया था कि यूक्रेन नव नाजियों से भरा हुआ है, जो रूस के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं। इसके बाद ही पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच टकराव चरम पर है। पूरी दुनिया की निगाहें इस संकट पर टिकी हुई है। हथियार परीक्षण और सैनिकों के रूप में यूक्रेन को नाटो से मिलने वाले सहयोग को रूस अपने लिए खतरा मानता आया है। रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे। मौजूदा टकराव 2013 में उभरा था, जब यूक्रेन में रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोचिव ने यूरोपीय यूनियन में चल रही अहम राजनीति एवं कारोबारी डील रोक दी थी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।